प्रभास स्टारर फिल्म साहू। दोस्तों, अब रिलीज होने में उसको लगभग 4 ही दिन बचे हैं और प्रभास की फैन फॉलोइंग तो आप देखिए। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग 2 राज्य में जारी की गई और देखते ही देखते 100% ऑक्यूपेंसी से दोनों ही राज्य, दोनों ही स्टेट अब पूरे तरीके से हाउसफुल हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों स्टेट में एडवांस बुकिंग जोरों शोरों से हुई है और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं प्रभास की फिल्म साहो ने। ये रिकॉर्ड बाहुबली 2 रोबोट 2.0 से भी बढ़कर है। सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग साहो को देखने को मिली है। अब तो ट्रेड एक्सपर्ट का मानना है कि फिल्म भारत से ही पहले दिन 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके निकलेगी। जिस प्रकार से साहो की एडवांस बुकिंग इन दो स्टेट में हुई है, पूरे भारत में जब इसकी एडवांस खिड़की खुलेगी तो आप सोचिए कितने करोड़ का एडवांस इसका कलेक्शन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, साहो जो कि 350 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई है, बाहुबली सीरीज के बाद प्रभास लौट के आ रहे हैं श्रद्धा कपूर के साथ, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं सुजीत, और साथ ही नील नितिन मुकेश और हमें चंकी पांडे, जैकी श्रॉफ जैसे बड़े मंझे हुए कलाकार फिल्म के अंदर नजर आ रहे हैं। ऐसे में साहो बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है। जिस प्रकार से ये पूरे शहर में, पूरे स्टेट में एडवांस बुकिंग लेके चल रही है, मानो एक बहुत ही बड़ा त्योहार आ रहा हो। जी हाँ दोस्तों, साहो के लिए काफी ज्यादा क्रेज देखा जा रहा है। फैंस पागल हो चुके हैं प्रभास की इस फिल्म को देखने के लिए। एक्शन, एडवेंचर, रोमांस से भरी हुई इस फिल्म के अंदर प्रभास हमें खुद हिंदी बोलते हुए भी नजर आने वाले हैं। फिल्म को 3 से 4 लैंग्वेज में रिलीज किया जा रहा है। भारत तो भारत, इसको विदेशों में भी काफी अच्छा कलेक्शन करने की बात सामने आ रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है पहले दिन प्रभास का भारत से कितना कलेक्शन होने वाला है, कमेंट बॉक्स में बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, ताकि आने वाली अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।